हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित छाबरा और आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं। कम वोल्टेज का मतलब हो गया यहाँ पे कि करंट की वैल्यू जिनको कम चाहिए होती है। हमें मालूम है कि हमारे घर में आने वाला जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट्स है, तो क्या सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होती हों? नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी डिवाइसेस भी आपको देखने को मिलेगी जिनको कम वोल्टेज की जरूरत है, मतलब कम अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास होना चाहिए। अगर ऐसी डिवाइसेस में से करंट की वैल्यू आप कंसिडरेबली इंक्रीज कर देते हैं तो उस डिवाइसेस के डैमेज होने का खतरा भी बन जाता है। तो ऐसी डिवाइसेस को हम लोग किस तरह से ऑपरेट करें जब हमारे पास अवेलेबल 220 वोल्ट्स है? तो ऐसी डिवाइसेस में बात कर रहे हैं, वो डिवाइसेस हुई कौन सी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं मर्करी लैंप की, हम बात कर सकते हैं सोडियम लैंप की, और मोस्ट कॉमनली यूज जो हमारे घर में देखने को मिलती है ट्यूबलाइट्स की। तो यहां पे हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब करंट की वैल्यू को रिड्यूस होने वाली है, जरा इस वीडियो के अंदर करंट की वैल्यू किस तरह से रिड्यूस करना है वो हमारे लिए एक मेन टारगेट होगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो चोक कॉइल है उसका नाम। तो आपने ट्यूबलाइट्स के अंदर देखा होगा, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और इलेक्ट्रिशियन आपको ये कहता है कि इसका चोक खराब हो गया है, आपको इसको चोक को रिप्लेस करने की जरूरत है, मार्केट से नया परचेज करने की जरूरत है, इस वजह से ये ट्यूबलाइट रन नहीं कर रही, नहीं जल रही। तो यहां पे उस चोक कॉइल का पर्पस, हमारे मन में एक चीज और आ सकती है कि चोक कॉइल अगर करंट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग भी उसको रिड्यूस करने के हमारे पास भी कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन मेथड है कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दें। अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो उस केस में भी करंट की वैल्यू को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर पर प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि अगर मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाए हुए रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूं, सर्किट का जो रेजिस्टेंस है अगर मैं बढ़ा देता हूं तो उस केस में हीट डिसिपेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो हीट डिसिपेशन भी जरूरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। तो ये हीट डिसिपेशन मेरा पर्पस यहां पर नहीं है। अब हमारा पर्पस क्या है, करंट की वैल्यू रिड्यूस भी हो जाए, रेजिस्टेंस भी ज्यादा इंक्रीज ना हो, और मेरी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज होने से बच जाए। तो हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन है कि हम लोग उसकी इंडक्टेंस को इंक्रीज कर दें। इंडक्टेंस हमें मालूम है उस सर्किट में बैरियर क्रिएट करता है, करंट के पाथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको अपोज करता है, तो करंट की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, करंट की वैल्यू को कंसिडरेबली रिड्यूस किया जा सकती है उस केस में। तो यहां पे हमारा पर्पस है कि चोक कॉइल में करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाए। किस तरह से रिड्यूस हो जाए, जब मैं उसका इंडक्टेंस को बढ़ा दूं, इंडक्टेंस को इंक्रीज कर दूं, पर मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस रखनी है, और इससे मेरी पावर सेविंग होनी चाहिए, मतलब एनर्जी लॉस मिनिमाइज करना। तो यहां पे चोक कॉइल का फंक्शन है कि एनर्जी लॉस होने से बचाना, करंट के पाथ को रिस्ट्रिक्ट करना, करंट की वैल्यू को रिड्यूस करना। और वो किस तरह से कर रहे हैं, जब हम लोग इंडक्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंपैरेटिवली लो रखेंगे तो हीट प्रोड्यूस, यहां पे रेजिस्टेंस हमें मालूम है H इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे सर्किट का तो हीट डिसिपेशन भी उस केस में इंक्रीज हो जाएगी। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे हीट कम से कम मिनिमाइज रखनी है ताकि एनर्जी हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में डिसिपेट ना हो, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे लाइट एमिट करना है, ना कि हीट प्रोड्यूस कराना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस चोक कॉइल को हम लोग किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस चोक कॉइल को हमने एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर लिया, उस लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड मैंने एक कॉइल को वाउंड किया। ये जो कॉइल है एक कॉपर कॉइल है जिसका एरिया ज्यादा है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। तो इसको मैं अगर ईएमएफ सोर्स से, मतलब एक अल्टरनेटिंग सोर्स से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो ये इंडक्टेंस करंट की वैल्यू को रिड्यूस करेगा।
तो ये मेरी इंडक्टिव कॉइल बन गई, जिसे आप क्या कहते हैं, सोलेनोइड। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोलेनोइड को आपने सॉफ्ट आयरन के अराउंड वाउंड कर दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से या फिर एरिया को इंक्रीज करने से अब क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, जरा वो देख लेते हैं। मैंने यहां पे थिक कॉपर कॉइल ली है। थिक कॉपर कॉइल का मतलब क्या कि मैंने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉपर कॉइल ली है क्योंकि कॉपर कॉइल की रेजिस्टिविटी हमें मालूम है कम होती है, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने वाला है वो कितना होता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहां पे हमने रेजिस्टिविटी की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया कॉपर कॉइल लेने से, उसको थिक बना दिया ताकि उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस की जा सके। तो यहां पे हमारे को लो रेजिस्टेंस मिल गया, हमारा पहला पर्पस सॉल्व हुआ कि रेजिस्टेंस हमें रिड्यूस चाहिए, इसलिए हमने यहां पे थिक कॉपर कॉइल यहां पे लिया है। तो रेजिस्टेंस होगा तो सही सर्किट के अंदर, पर सर्किट में जितना कम से कम हम लोग रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जितना कम रेजिस्टेंस पे उसको ऑपरेट कराएंगे उतना ही डिसिपेशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस मिनिमाइज हो सकती है। ये जो कॉपर कॉइल है ये इंसुलेटेड रहती है, मतलब एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आती, एक कॉइल की तरह वर्क करती है। तो यहां पे अब हम लोगों का दूसरा पर्पस है कि इंडक्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना। तो ये जो कॉपर कॉइल हमने सोलेनोइड बनाया, इस सोलेनोइड क्या है, एक इंडक्टर। इस इंडक्टेंस की वैल्यू को मैं इंक्रीज करना है मुझे, तो मुझे मालूम है कि इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं जरा देख लेते हैं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल है एन, नंबर ऑफ टर्न्स है एल, लेंथ ऑफ कॉइल है और एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल के अंदर। तो मैं इंडक्टेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, इसका एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। इस L को इंक्रीज किस तरह से किया जा सकता है, एज पर आर रिक्वायरमेंट मुझे करंट की वैल्यू कितनी रिड्यूस करनी है तो मैं उतनी ही ज्यादा L की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं। तो N नंबर ऑफ टर्न्स को मैं इंक्रीज कर सकता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं इंक्रीज कर सकता हूं और L लेंथ ऑफ द कॉइल को जितना कम रखूंगा, क्योंकि इंसुलेटेड कॉपर वायर होगी तो वो आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी, तो L को भी मैं यहां पे काफी रिड्यूस कर सकता हूं। तो L की वैल्यू यहां पे पर्पस है कि इंक्रीज कराना। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि जब भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम लोग किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड साथ में प्रोड्यूस होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर एडी लॉसेस भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, एडी करंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हीट लॉस की फॉर्म में एनर्जी फिर डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पे हम लोग इस कॉइल को इंसुलेट कर देते हैं, मतलब इसमें हम इसको लेयर्स की फॉर्म में, ये जो हमने सॉफ्ट आयरन यूज किया है जिसके अराउंड हमने कॉइल को वाउंड किया, ये हमने सॉफ्ट आयरन लिया और ये किस तरह से है, लैमिनेटेड है ताकि एडी करंट्स की फॉर्म में एनर्जी लॉस को मिनिमाइज कर सके, एनर्जी लॉस्ड इन फॉर्म ऑफ एडी इज मिनिमाइज्ड। हम लोग हर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एनर्जी को यूज करते हुए सर्किट के अंदर जो प्रेजेंट है, कम से कम एनर्जी को यूज करते हुए हम कॉइल, ऐसी कॉइल बनाएं जिसे हम लोग चोक कॉइल कह रहे हैं, जो करंट की वैल्यू को रिड्यूस करे पर ज्यादा वेस्टेज ना हो पावर की। तो जरा देखें, एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ एडी हमने यहां पर इसको मिनिमाइज कर दिया। यहां पे हमने सॉफ्ट आयरन, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहां पे हम लोग सॉफ्ट आयरन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह पे सिर्फ एयर ही रखता तो यहां पे मैं लिखता म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू एज कंपेयर टू म्यू आर बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पे एल की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, अगर मैं यहां पे सॉफ्ट आयरन ले रहा हूं तो म्यू आर की वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स एज पर आर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा सकते हैं वगैरह वगैरह, एल की वैल्यू यहां पे इंक्रीज की जा सकती है। अब जरा इसी के साथ एक और चीज को समझते हैं कि ये सर्किट एक्चुअल में बना क्या चीज, ये क्या चीज है। ये एक तरह से देखा जाए
तो सर्किट के अंदर मैं रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस ना हो, पर यहां पे रेजिस्टेंस फिर भी प्रेजेंट तो होगा क्योंकि कॉपर का वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट है ही। तो यहां पे मेरा जो फंक्शन, ये जो सर्किट बन गया वो कौन सा सर्किट बन गया, एक LR सर्किट बन गया जिसमें रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत कम है पर सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मैं इसको इसी तरह से हम लोग एक सर्किट के फॉर्म में इसको बना के देखते हैं कि रेजिस्टेंस तो सर्किट का है ही, नहीं चाहते हुए भी वो रेजिस्टेंस हमेशा मिलेगा मुझे। और यहां पे मैं एक इंडक्टर लगा देता हूं जिसे मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स सपोज कितना है, E0 साइन ओमेगा टी, इस वैल्यू के साथ। तो इसने कुछ करंट को प्रोड्यूस किया होगा। जरा हम लोग इसी सर्किट को क्या कहते हैं, LR सर्किट कहते हैं। इसी सर्किट में हम लोग समझते हैं कि अगर करंट की वैल्यू, इसमें से कुछ करंट स्टार्ट हुआ होगा तो इस पे ड्रॉप होने वाला जो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना होगा। तो रेजिस्टेंस को इस करंट की वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे हमें पता लग जाएगा कि रेजिस्टेंस की वजह से कितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे होने वाला है। एल पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, तो मुझे मालूम है कि एक्स एल इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स एल से। जब करंट से मिला तो पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में हमें पता लगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं वी आर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस पे, और इस पे मैं बोल रहा हूं इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वी एल। इन दोनों के अब इसके प्रिंसिपल को अगर हम लोग समझने के लिए हमें इसका एक फेजर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो फेजर डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगा कि हम लोग एक्चुअल में क्या चीज फाइंड कर रहे हैं और क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका फेजर डायग्राम। E=E0 साइन ओमेगा टी, इसका फेज कितना है, तो मैं हमेशा इसको फिक्स रखता हूं कितना फेज है ओमेगा टी। अब करंट की वैल्यू को हम लोग इसके अकॉर्डिंग वेरी कर लेते हैं। हमें मालूम है कि रेजिस्टर पे, किसी रेजिस्टेंस पे करंट और रेजिस्टेंस का जो फेज है, मतलब पोटेंशियल और करंट का जो फेज है वो हमेशा कैसा रहता है, सेम। उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी रहती है, एक जैसी। यहां पे मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में बना दिया। ऐसे ही जब हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं तो पोटेंशियल और करंट के बीच में जो फेज होता है वो क्या होता है, करंट सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल मतलब VL इस पे ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल इससे कितने से आगे चलता है, बाय द फेज पाई बाय 2। तो करंट की जो डायरेक्शन है, VR की डायरेक्शन भी वही है, यहां पे करंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है VL इस पे ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल। तो इसको हम लोग बनाने के लिए ध्यान रखते हैं कि मैं इसमें VR ये मैंने बना दिया, सपोज मैंने इसको ले लिया VL, इसके जस्ट परपेंडिकुलरली मुझे क्या बनाना होगा VR, क्योंकि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है पाई बाय 2, तो ये हो गया पाई बाय 2। अब बात करते हैं E हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों के कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू हमेशा कैसी होने वाली है, मैक्सिमम। तो एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है E को, तो उसकी लॉन्गेस्ट साइड से डिनोट करना होगा और वो लॉन्गेस्ट साइड उसका डायगनल ही हो सकती है। तो ये डायगनल को मैंने इसको एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में बना दिया ताकि हमारे को ये क्लियर रहे कि E हमेशा मैक्सिमम रिप्रेजेंट होना चाहिए VR और VL के कंपैरिजन में। तो यहां पे इन दोनों के बीच में VR की जो डायरेक्शन है करंट और VR की डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी सेम। इन दोनों के बीच में सपोज फेज कितना है फाई, तो मैं करंट की इक्वेशन बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं EMF की बात कर रहा हूं तो मैं इस यहां पे लिख सकता हूं कि E कितना होता है E0 साइन ओमेगा टी, मतलब उसका फेज कितना है ओमेगा टी। तो यहां पे करंट का फेज कितना हुआ ओमेगा टी, मैं इस x एक्सिस से कंपेयर कर रहा हूं, यहां से इस फेज कितना है ओमेगा टी। तो करंट का फेज कितना होगा, मैं लिख सकता हूं I=I0 साइन पूरा कंप्लीट ओमेगा टी में से फाई को मैंने लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन किसकी बन गई, करंट के लिए इक्वेशन बन गई। मैं इसी केस में कॉस फाई की वैल्यू फाइंड करने वाला हूं क्योंकि मैं एवरेज पावर की हम लोग बात करेंगे, पावर लॉस कितना हो रहा है इस LR सर्किट के अंदर।
तो मैं यहां पे cos phi फाइंड करता हूं सबसे पहले। तो cos phi क्या चीज हुई यहां पे, तो cos phi का मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहां पे है vr, ये आपका हो गया बेस। हाइपोटेनियस यहां पे क्या है e, क्योंकि ये देखो ये एंगल ये कितना है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। तो e की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए, vl स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर अंडर रूट vl स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर। इसको करंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है i इंटू आर, VL को लिखा जा सकता है I into XL, यहां पे I square common लेके I बाहर आ सकता है, दोनों cancel हो जाएंगे। तो इसको मैं directly लिख देता हूं R upon under root XL square plus R square, ये हमारी cos phi की value हो गई। अब एवरेज पावर डिसिपेशन जिसके लिए हमने ये फाइंड किया, एवरेज पावर डिसिपेशन क्या होता है, तो एवरेज पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हमें पता है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज पावर डिसिपेशन फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए हमें हमने पढ़ा था कि पी एवरेज हम लोग लिखते हैं आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाई। तो यहां पर जरा देखें जो पावर फैक्टर है हमारा वो क्या है cos phi। अगर आपने आपको पावर फैक्टर के बारे में या एवरेज पावर के बारे में आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को एक और वीडियो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप देख सकते हैं, आपको शायद क्लैरिटी ज्यादा होगी क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया है पर इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं जो हम पहले ही वीडियो में फाइंड कर चुके। तो यहां पे जो पावर फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है cos phi पे। तो cos phi की वैल्यू देखा जाए cos phi की वैल्यू कितनी हुई, मुझे मालूम है कि मैंने इस चोक कॉइल को बनाने में इंडक्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज किया है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज किया मतलब XL की वैल्यू क्या होती है L ओमेगा, तो L की वैल्यू को मैंने इंक्रीज किया तो XL की वैल्यू अपने आप ही इंक्रीज हो गई, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस अपने आप इंक्रीज हो गया अगर मैंने सेल्फ इंडक्टेंस को इंक्रीज किया। तो यहां पे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये वाली वैल्यू कंपैरेटिवली इससे बहुत ज्यादा है। तो अगर दोनों को कंपैरिजन के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर अपॉन यहां पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो रूट से एल ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग यहां पे। तो यहां पे जब मैं उसको डिवाइड करके देखता हूं तो ये वाली वैल्यू कंपैरेटिवली इससे भी बहुत ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी होने वाली है बहुत कम अप्रोक्सीमेटली जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो कॉस फाई की वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि एवरेज पावर डिसिपेशन कितना हो गया नियरली जीरो के इक्वलेंट हो गया, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट हो रही है इस सर्किट में वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है जीरो के बराबर। यही हमारा पर्पस था कि एनर्जी को लॉस होने से बचाना, यहां पे एनर्जी पावर वेस्टेज नहीं हो रही, सारी एनर्जी ट्यूबलाइट अगर हम लोग ग्लो कराना चाह रहे हैं तो उसको सिर्फ ग्लो कराना चाह रहे हैं, उसको हम हीट नहीं देना चाह रहे, हीटअप नहीं करना चाह रहे, एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहे, करंट की वैल्यू को हमने रिस्ट्रिक्ट करते हुए हमने एनर्जी लॉस होने से बचा लिया। तो आज के लिए इतना ही, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।